मंगलमय मंगलकरण पीतरागवे ज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। प्रेरित जय करना मुरेगा हाँ, नमोकार मंत्र बोल सकते हैं, और उसके उसके बाद 1 मिनट के लिए हम दोनों के लिए कुछ शब्द बोल देंगे बोलेंगे। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम प्रमो वाचायानम प्रमो लोहि सपसावनम। पावपनाशनो मंगलां च सर्वेशं परमो हि मंगलम्। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हफ्ते में हमको दो ऐसे दुखद समाचार मिले। पहले तो भटारक जी, चारुकृति स्वामी जी, जो श्रवण बेलगोला के अपना जो जैन मठ है उसके जो भटारक जी थे, उनका निधन हुआ। वो उनका देवलोक गमन हुआ। और उसके बाद कल दूसरे समाचार मिले कि अपने पंडित जी डॉक्टर हुकुमचंद बारिल जी थे, जो तो उनका भी देवलोक गमन हुआ। तो हम यही प्रार्थना करते कि उन्होंने हम वही भावना करते कि उन्होंने जो जो भी अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, अपने इतना इतना अपने जैन समाज को आगे लाने में, साहित्यिक दृष्टि से अपने तीर्थों की रक्षा के लिए, अपनी जिनवाणी की रक्षा के लिए, सब सब प्रकार से उन्होंने दोनों ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हम उसको समझ के अपना कल्याण करें और हम भी उनके उनके उन, 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 उनके काम को आगे बढ़ाएं। और फिर बस ये मार्ग आगे ऐसे ही चलता रहे। और उनके लिए हम ये भावना करते हैं कि उनका भी जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग में प्रगति होती रहे और आगे भी उनको अच्छे अवसर मिलते रहे। तो यही भावना करते हैं। और भटरक जी चारुकीर्ति स्वामी, तो उन्होंने मैंने जब जाना उनकी लाइफ के बारे में, मुझे इतना पता नहीं था पहले कि उन्होंने इतना काम किया है। कितने 50 साल वो दूर पचास साल वो मठ के वो रहे, तो उन्होंने मठ अरे को कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंचा दिया कि पहले अपने श्रवण बेलगोला मठ के पास ऑलमोस्ट इससे कुछ कोई स्थिति नहीं थी कि आयोजन करने की, ये सब करने की। उन्होंने काफी उसको संभाला संस्था को, और फिर आगे लाए। और अपने विद्वान भी अच्छे थे वो, उनकी कार्य क्षमता, सबको समाज में सबको साथ लेकर चलने की जो उनकी क्षमता थी कि कोई कोई भी प्रकार के भेदभाव किए बिना सबको साथ लेके जो चलते थे, सभी साधु संतों का भी विनय करते थे, तो उनकी ये दृष्टि बहुत उत्तम थी, सहिष्णुता बहुत उत्तम थी। तो हम उससे ये सब सीख के उन्हीं के मार्ग को आगे बढ़े, मारू स्वामी के मार्ग को आगे बढ़े। और बारिल जी, हमारी एक मुलाकात हुई थी यहाँ पे 2011 में, जब वो आए थे जाना शिविर के लिए, तो तब उनसे मुलाकात करने का प्रसंग बना था हमको इन पर्सन यहाँ पे। तो और उनके ये प्रवचन, इतने सालों में हम काफी प्रवचन सुने, उनसे काफी लाभ हुआ है। तो बस हम आशा करते हैं कि बस उनकी उत्तर उत्तर प्रगति हो। सौरभ जी, आप हमें सुनाए, आपके क्या कुछ संस्मरण हो चारुकीर्ति भट्टारक जी स्वामी की को आप आई थिंक मैं मिले थे ना जब श्रवण बेलगोला गए थे तब, और भारिल जी के साथ तो आप पर्सनली काफी टाइम आपने स्पेंड किया, तो हमको थोड़े संस्मरण सुनाए आप। करनी है प्रेरित या आदर्श, दोनों में से एक आदर्श को, प्रेरित या कुंजन, आदर्श को म्यूट कर दो ना। आदर्श, डू यू वांट टू म्यूट? या मैंने कर दिया। हाँ देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारा ग्रंथ चल रहा है, जिसमें इसके लेखक है आचार्य कल पंडित टोडरमल जी। टोडरमल जी का व्यक्तित्व
बहुत प्रभावशाली था, बहुत बड़े विद्वान थे और जिनवाणी के बहुत बड़े आराधक थे। जब उस समय उनका देह गमन हुआ होगा, एक हम कल्पना कर सकते हैं, उस समय जब उनका देह गमन, देह विलय हुआ होगा, देवलोक गमन हुआ होगा, तो हम उस समय के साधर्मियों के हृदय में क्या बीतती होगी, ये कल्पना करना, अब मैं नहीं बोलता कोई असंभव है, क्योंकि हमारे सामने सामने अब जिन लोगों ने हमें समझाया, पढ़ाया, बताया, या हमने सामने सामने जिनका जीवन देखा, वो हमारे सामने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस समय के जो साधर्मी थे उनको बहुत वेदना हुई होगी, जो वेदना, जिस वेदना का शायद अभी तक हमें अनुभव नहीं था, लेकिन अब होना प्रारंभ हो गया। इस हफ्ते में दो लोग थे जिनने जैन धर्म के लिए बहुत बहुत महान काम किया और निष्प्रय भाव से काम किया। चारू कीर्ति जी तो 20 साल की उम्र में वहां का पूरा पदभार संभाला उनने, और वो स्मारक से बहुत जुड़े हुए थे, मतलब दादा को बहुत पसंद करते थे वो, हुकुमचंद जी भारत को, और काफी बार उनसे चर्चा भी होती थी। तत्व ज्ञान के बहुत प्रेमी थे भट्टारक जी, और मतलब यहाँ तक कि प्रसंग थे कि कोई विद्यार्थी एक थे हमारे साथी, तो वो वहां गए श्रवण बेलगोला और उनसे मिलने गए, तो उस समय वो थे नहीं, मतलब कहीं बिजी थे ध्यान ध्यान में, तो वो चले गए, फिर आगे 20 किलोमीटर निकल गए। जब उनको पता चला कि कोई विद्वान मुझसे मिलने आए थे, तो उनने किसी को भेजा लेने के लिए कि उनको लेके आओ, मुझे उनसे फिर से मिलना है और चर्चा करना है। तो उनने उनसे मिलने का निवेदन किया विद्वान से, और वो मिले और चर्चा, तत्व चर्चा की। जब 2016 में जो महामस्तिक अभिषेक था, उसके बाद मतलब उसके समय वहां उनने पूरे इंडिया के जो विद्वान थे, जो लोग इस काम में लगे थे, तो उनने उन सबको इनवाइट कराया था। वो काम हम लोगों ने इंदौर से ही संभाला था, तो उस संबंध में मुझे और गौरव जी को भी वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो फिर जब पूरा प्रोग्राम हुआ, रात को हमारे पास, शाम को हम लोगों के पास आए थे वो सारे विद्वान, तो उन्होंने काफी अच्छी भावनाएं व्यक्त की, उन्होंने कि जिनवाणी के संरक्षण की बात की उन्होंने, और अध्यात्म को आगे प्रचार प्रसार की बात की थी उस समय उन्होंने, और सबकी काफी प्रशंसा की थी। हुकुमचंद जी से उनकी बहुत बनती थी आपस में, अध्यात्म की चर्चा उनकी होती थी, और उन्होंने निश्चित रूप से कर्नाटक, मतलब केवल श्रवण बेलगोला नहीं, उन्होंने तो पूरे कर्नाटक में ही एक तरह से जैन धर्म को काफी अच्छे सबल रूप में स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने एज कोई ज्यादा नहीं थी, 72 ईयर्स के थे, 1949 का उनका बर्थ था, 1969 में उन्होंने ये पदभार संभाला था, और 1981 में जब महामस्तक अभिषेक था, तो इंदिरा गांधी जो थी, तो वो इनसे बहुत प्रभावित हुई थी, इनकी विचारधारा से, इनके कार्यशैली से, और इनके पूरे अध्यात्म को प्रचार प्रसार से, तो उन्होंने उनको उपाधि दी थी अध्यात्म योगी करके, या कर्म योगी करके उपाधि उनको दी थी। उस समय फिर बहुत, उस समय से बहुत नोटिस में आए, फिर महाराष्ट्र के, कर्नाटक के जितने भी फिर पॉलिटिशियन आदि थे, वो सब इनको अच्छी तरह से जानते, जो वहां के क्या नाम से जो राजा साहब है कर्नाटक के, नाम भूल गया उनका, वीरेंद्र हेगड़े, वीरेंद्र जी, तो वो भी इनसे बहुत निकट के संबंध, निकट के जुड़े हुए लोग हैं ये लोग, और वो भी मतलब सब लोग ये मतलब जैन धर्म को ही हम दो चार लोग नहीं बढ़ा रहे आगे, सब लोग अपने अपने स्तर पे बढ़ा रहे हैं। जो कुछ क्रिया के लेवल पे मतभेद थे, तो बोलते थे कि अपन अभी उन मतभेदों को, 20 पंथी 13 पंथी की मान्यता वाली थी, तो बोलते थे कि अपन अभी उनको थोड़ा साइड में रखते, हम बेस मूल जैन धर्म को आगे सब लोग बढ़ाते हैं और अपन वैसा काम करते हैं। तो वो जिनवाणी के प्रचार प्रसार में भट्टारक जी बहुत आगे थे, अग्रणीय थे, और कभी कोई मतभेद या किसी प्रकार से कोई विवाद पैदा करने की बात नहीं करते थे। वो सबको साथ लेने की उनकी एक्चुअल में बढ़िया उनकी धारणा, मान्यता, विचारधारा ये थी। तो निश्चित रूप से उनके जाने में एक जैन समाज को बहुत बड़ा घाटा तो हुआ ही है, और परंतु वस्तु व्यवस्था ये है कि
उत्पाद और व्यय के सिद्धांत को तो आज तक तीन काल और तीन लोक में कोई तोड़ ही नहीं पाया ना। अभी जब परसों मैंने उनके जाने का सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक इस तरह से जो जैन धर्म का काफी अच्छे रूप से प्रचार प्रसार करने वाले थे, डेडिकेटेड थे, उनका देह विलय हो गया। और वो भी कोई ऐसे बहुत बीमार नहीं थे, उनका अचानक ही उनका देह विलय हुआ। तो एक तो उनका देह विलय हुआ, फिर जो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल हैं उनका तो हुआ ही है। तो क्या होता है कि हम अपने राग के वशीभूत कभी ऐसी कल्पना भी नहीं करते कि हम कभी ऐसा सोचेंगे कि वो थे। रीजन क्या है कि मतलब अगर मैं अपनी स्पेशली मैं अपनी और गौरव जी की बात करूं तो हम क्या होते हैं कि हम लोग जब 15 साल के थे तब वहां गए थे, मतलब 14 साल के थे, 14 इयर्स ओल्ड थे हम लोग। 9वीं 10वीं क्लास में कैसे रहते हैं आप सबको तो ध्यान होगी कि अपने अल्हड़पने में, मस्ती में, बचपने में, बचपना रहता है 14 इयर्स में, कौन से बड़े होते हैं। उस समय जब वहां जयपुर पहुंचते हैं तो कुछ अजीब सा माहौल लगता है वहां कि कहां आ गए, क्या करेंगे, क्या फ्यूचर होगा, क्या करियर होगा। ऐसा नहीं है कि आज ही दौड़ लगा रहे हैं लोग अच्छी महंगी पढ़ाई की, उसमें हमारी पीढ़ी भी, हमारे समय भी सब लोग दौड़ लगाती थे उसी तरफ। थोड़ा सा विचार भी आता था कि क्यों आ गए हम यहाँ, धर्म पढ़ने से क्या होगा, समझ में तो आता ही नहीं है। लेकिन फिर उन्हें हुकुमचंद जी और रतन चंद जी दो भाई जो हैं थे वो भी, उन लोगों ने बहुत बढ़िया टेक्निक विकसित की थी मिलके सरलता से जैन धर्म को समझाने की, और वो ही वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। तो उसके बेसिस से उन्होंने फिर सबको जो पढ़ाना चालू किया था। तो अभी करीब 1300 विद्वान वहां से स्मारक से बन के निकल के और पूरे वर्ल्ड वाइड आप समझ लीजिए स्वयं का अध्ययन अध्यापन अध्ययन काम भी कर रहे हैं और अध्यापन का काम भी कर रहे हैं। तो सारे तो एक्टिव नहीं है, कुछ गृहस्थी में अपने बिजी हैं, प्रवचन आदि दूसरों के लिए समय नहीं दे पाते, लेकिन स्वयं का स्वाध्याय उनका चलता रहता है। रही हमारी बात तो मैं और गौरव जी कुछ उनके कुछ ऐसे विद्यार्थियों में हमारा नाम आता है जिनको पर्सनली जानते थे, क्योंकि 1300 तो को वो नहीं जानते थे, वो मुश्किल से 50 लोगों को स्टूडेंट को जानते हो अपने तो जानते हो वो। तो हमसे तो हमेशा परिचय कराते थे, कभी हम जयपुर जाते थे, अभी मिले थे 2 महीने पहले, तो किसी से भी परिचय कराते थे तो बोलते थे अरे इनको जानते हो, ये हमारे सौरभ गौरव हैं, ये बहुत बड़े विद्वान हैं। तो मैं बोलता था दादा आप अपने सामने मेरे हम लोगों को ऐसा बोलते, नहीं बेटा तुम्हारा परिचय मैं नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा। तो बोले बहुत बड़े विद्वान हैं और साथ में हमारे अच्छे व्यापारी भी हैं ये लोग, तो हमारे विद्वान भी हैं व्यापारी भी हैं, ये ऐसे करके परिचय देते थे। स्वभाव इनका भी, जिनवाणी के पढ़ने वालों का स्वभाव बड़ा सरल रहता है, इनका भी स्वभाव बड़ा सरल था। अक्सर जब मैं जाया करता था वहां तो बोलते थे अकेला आया, दोनों आए, मैं बोलता था अकेला आया, अच्छा अच्छा। एक उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी जो मेरे पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस था कि कभी मैंने उनसे अगर अपनी अपनी लौकिक उन्नति बताने का प्रयास किया तो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, और जब मैं कोई आध्यात्मिक बात करूं तो बीमारी से भी उठ के खड़े हो जाते थे वो। समय सार वीडियो बुक आप लोगों को याद होगा, उस समय हमारी क्लास चालू हुई थी, 2009 की बात है। तो समय सार वीडियो बुक एक वर्ल्ड वाइड फेमस वो क्रिएशन है हमारी, अभी भी बहुत से लोग मिलते हैं और उसके नाम पे हमें बहुत प्रशंसा या समझ लो बधाइयां देते हैं। तो उसके पीछे दिखता ऐसा है कि उसके पीछे मैंने गौरव जी ने बनाया है वो, लेकिन उसके पीछे जो 120 घंटे का उन्होंने 10 दिनों में उन्होंने जो समय दिया वो एक बहुत रिमार्केबल उनका योगदान था। 2012 में मैंने उनको कॉल किया कि मैं दादा इस काम से आपके पास आना चाहता हूँ, समय आप मुझे दे दो, कौन सा समय आऊँ। बोले इस काम के लिए मेरे पास समय ही समय, आ जाओ तुम्हें जब भी आना है। तो मैं सेकेंड डे पहुंच गया, क्योंकि उस समय मैं जॉब करता था, 4 दिन की छुट्टी लेके गया था मैं, तो 4 दिन में तो मेरे 4 ही अधिकार हुए। फिर बोले कि देखो मेरा कोई भरोसा नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं रहती सौरभ, और फिर योग वाली बात है नहीं हो पाए, तुम अभी 10 दिन रुक जाओ टोटल,
और उसको पूरा करा के जाना। उस समय जयपुर में पंचकल्याणक थे एक्चुअली में, उनने सबको बुला के कहा देखो भाई ये सौरव आया है इंदौर से और बहुत जरूरी काम है, आप लोग डिस्टर्ब नहीं करना मुझे, बहुत जरूरी काम हो तो ही मुझे बुलाना। और उनने वो समय सार के जो पूरा चित्र थे वो बैठ के मेरे साथ चेक किए, डिस्कस किए पूरे, और बीच बीच में हर बार एक ही बात बोलते थे, ये दूसरों को समझाना नहीं है, तुम्हें समझ में आया है कि नहीं, तुम्हें समझ में आया कि नहीं। मैंने कहा हाँ दादा समझ में आए तभी तो बनाए। बीच बीच में उनने 10 दिनों में कम से कम 10-12 बार शाबाशी भी दी मेरे को, गौरव जी को, अरे वाह बहुत बढ़िया बना लिए, तो ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया। फिर समय सार बन के निकला तो वो रिमार्केबल रहा और अभी तक भी उसकी लोग प्रशंसा करते हैं। और ऐसे कई सारे प्रसंग हैं उनके साथ, जब मतलब मैं अगर व्यक्तिगत कहूँ तो अपने दादाजी के जाने पर जितना दुख नहीं हुआ जितना इनके जाने पर हुआ, क्योंकि अब मेरी मतलब मेरे दादाजी की उम्र कई थे, उनके पोते की उम्र कई हूँ मैं, तो जितना दुख उनके जाने पे हुआ उतना अपने स्वयं के दादाजी के जाने पे नहीं हुआ। रही बात कि दुख करें या ना करें, तो अध्यात्म तो यही बोलता है ना, आप दुख करो या ना करो उससे क्या फर्क पड़ता है, अनादिकाल से वस्तु की व्यवस्था तो यही है, जो ना बदली है और ना बदलेगी। मैंने तो लास्ट क्लास में आप लोगों से बोला ही था कि हम सब लोगों के लिए एक चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि हमारे जो डेटा बैंक में हम जिन जिन लोगों का डेटा जमा है, राग रूप डेटा जमा है, वो डेटा डिलीट होने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। तो उनके साथ भी काफी समय हम तो रेगुलर रहते थे, मैं और गौरव जी तो हम लोग रेगुलर उनके साथ रहते थे, मिलते रहते थे, बात करते थे। कोई असक्त हो के नहीं गए वो, मतलब कि सालों से बीमार पड़े हो फिर गए सहज में, अभी 2 दिन से उनको थोड़ी सी कमजोरी फील हो रही थी, 5 किलो वजन कम हो गया था, इसके पहले जरूर थोड़े से हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन अब वो रूटीन था उनका हॉस्पिटलाइज होना, तो जाने जैसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी आयु कर्म आ गई थी। तो आज सुबह 7:30 बजे, मतलब आप लोगों की कल रात का टाइम था, वो आज सुबह 7:30 बजे यहाँ उनका देह विलय हो गया। मैं उस समय मंदिर में बैठा था, स्वाध्याय कर रहा था, जनरली मैं क्या मोबाइल नहीं ले जाता और धोती पंचे पहन के मैं स्वाध्याय प्रक्षाल पूजन करता हूँ। आज लेट हो गया था क्लास लेने जाने था, तो कुर्ती पजामा पहन के मोबाइल रखा चला गया जेब में, किसी का कॉल आया तो मैं तो वही, मतलब अब हूं तो इंसान हूं तो आंसुओं से आंसू आने लगे जिनदेव के सामने। तो मैंने कहा इस प्रकार से शोक करना योग्य नहीं है, तो फिर मैंने ग्रंथ बंद करके फिर बाद में मैं घर गया और फिर भावना थी तो वो नेचुरल रूप से राग के आंसू तो निकल नहीं थे, बताया सबको। फिर मेरी पलासिया में क्लास लगती है तो जैसे कुंजन जी का मैसेज आया था ना कि क्लास लगेगी कि नहीं, वहां से भी मैसेज आने लगे सर क्लास रहेगी कि नहीं। मैंने कहा रहेगी ना, हम कोई टीवी शो देखते तो मूवी देखने जाते तो मैं बोलता कि नहीं जाना है, लेकिन ये लगेगी। और मनस्थिति नहीं थी मेरी लेने की बहुत क्लास सुबह, फिर भी मैंने कहा मुझे अपने उपयोग को तो टिकाना है ना। उनसे जैसे अपन कहते ना कि वो व्यक्तित्व निर्माण का कार्य किसी ने किया तो उनने किया निश्चित रूप से, तो दुख होना बड़ा स्वाभाविक है लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। और भट्टारक चारुकीर्ति जी थे तो वो स्मारक के विद्यार्थियों को बहुत चाहते थे, तो मेरी दादा से चर्चा हुई थी तो बोले कि वो मेरे से बहुत अच्छे उनके टर्म्स हैं, तो जो जो मेरे से संबंधित हैं उनको सबको वो बहुत प्रिय हैं बोले। तो इस तरह से 2 लोग हमारे बीच गए और दुख की बात है। शिक्षा की बात इसमें यह है कि अनादिकाल की आयु कर्म की परंपरा है, वो तो नहीं टल सकती, ना तो इंद्र टाल सकते ना जिन्हें टाल सकते। एक भजन है आपने सुना होगा, काल अचानक ही ले जाएगा गाफिल होकर रहना, काल अचानक ही ले जाएगा बोले, आपको गाफिल होकर रहना क्या। तो ऐसा ही है कि वो 90 ईयर्स में गए तो मैं ऐसा लगता है चलो प्रॉपर टाइम से गए, कोई
47 में गया तो हमें लगता है टाइम से पहले चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रत्येक जीव अपने समय से जाता है। हमारी भी आयु के कितने परमाणु हैं हमें ज्ञात भले ही ना हो, लेकिन आयु तो हमारी सर्वज्ञ देव ने देख रखी है ना कि कब पूरी हुई। हमारी ड्यूटी ये है उससे पहले हम अपना कार्य कर लें। और है ना, अभी गाफिल होकर रहना क्या, तो गाफिल मतलब कि हम क्यों गाफिल होकर रहे, हम पागलपने में रहे, मोह में रहे हमारे साथ। हम मतलब अपना सिंपल से मूड बनाए कि हमें करना क्या है स्वयं के लिए। तो एक जैसे एक एक भजन और है दौलत राम जी का, तो उसमें वो कितनी बढ़िया बात लिखते हैं, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है, ठीक है, ये बोल है उसके। फिर वो आगे कहते हैं कि मिलेगर स्वर्ग की संपत्ति अचंभा कौन सा इसमें। भगवान, एक तो मुझे आपके दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ती, और दूसरी अगर स्वर्ग की संपत्ति मिल जाए तो इसमें आश्चर्य कौन सा है। दर्शन आपका मिल जाए इसमें आश्चर्य है, बोले। तो दौलत राम जी बोलते हैं कि आपके दर्शन मिले इसमें आश्चर्य, स्वर्ग की संपदा मिलना आश्चर्य का विषय नहीं। वो इसलिए बोलते हैं कि हे जिनेंद्र देव, आपको देखने पर ही मुझे स्वरूप का ध्यान आता है। तो ऐसे ये सब लोग जिनदेव के आराधक थे, हम भी वैसे ही जिनदेव के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें तो हमारा आत्म कल्याण होगा, नहीं चलें तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बहुत व्यक्तिगत मार्ग है देखिए ये, तो इसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती की तो बात है ही नहीं, व्यक्तिगत मार्ग है। और संस्मरण तो बहुत सारे हैं, समझ लो मैं आप लोगों से रेगुलर बात करता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, तो वो एक संस्मरण है कि हम जो वॉट एवर हम लोग चर्चा करते हैं सब वहीं से ट्रांसमिटेड है। और जिंदे वीतरागी जिंदेव और वीतरागी गुरुओं की महिमा भी समझ लो उनसे ही आई, नहीं तो हम बच्चे पहुंचे थे हमें पता ही नहीं था वीतरागी जिंदेव गुरु क्या होते हैं। तो इस तरह से कहा ये प्रकरण हमारा अभी लेते हैं हम। सौरभ जी, एक प्रश्न होता है मुझे यहाँ पे कि हम जानते तो है कि अनित्यता नित्यता और टाइम के हिसाब से, मतलब समय पे हर होगा, तो कुछ समय पे हमको ऐसा मतलब मानने को नहीं आता है या मतलब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसे हमें किस जैनिज्म के हिसाब से किस तरह से लेना चाहिए। डिस्कनेक्ट हो गया सौरभ जी का, या सौरभ जी मोस्टली डिस्कनेक्ट हो गए।
हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है सौरभ जी? आ रही है क्या? हाँ, कट क्या था फोन। तो इस तरह से प्रसंग तो बड़ा चिंतनीय है कि जो इसी चीज के लिए डेडिकेटेड लोग थे वो जाते जा रहे हैं, और आजकल मतलब सब लोग इवन भौतिकता में बहुत अच्छी तरह से निमग्न है, तो उनको तो जब पढ़ने का टाइम नहीं है तो तत्व प्रचार का समय कहाँ से मिलेगा। ये केवल आपके यहाँ की बात नहीं है, इवन मैं तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि हमारे यहाँ तो लोग और ज्यादा व्यस्त हैं। कोई मतलब अब किसी को तत्व प्रचार की बात तो अलग आती है, लेकिन तत्व पढ़ने का ही समय नहीं है लोगों के पास, तो ये एक चिंता का विषय है। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक जीव का कल्याण अपना व्यक्तिगत है। जो भी जीव जैसा काम अपना कर लेगा वैसा उस हिसाब से उसका आगे का आगे की गति रहने वाली है। मैं इस बारे में पता बहुत विचार चलता है मेरा कि हम कुछ भी कर लें, हम इस लोक में कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, कितना भी धनार्जन कर लें, कैसे भी लौकिक उपलब्धियां हम प्राप्त कर लें, परंतु अंततः होना क्या है? आयु कर्म पूरा होते ही साथ तो हमारी सारी लौकिक उपलब्धियां यहीं रह जाएंगी ना, लेकिन जो हमारे साथ अध्यात्म है और उसके भाव हैं, परिणाम हैं, वो सारे के सारे हमारे साथ ही सदैव रहने वाले हैं आगे के भाव में। तो प्रत्येक जीव का अपना कल्याण व्यक्तिगत है, और मैं इस चीज में बहुत क्लियर हो गया हूं। पहले मैं थोड़ा बहुत समझाया भी करता था, मुझे ऐसा लगता है चलो इनको समझा दो, अभी मैंने वो भी बंद कर दिया। मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक जीव की अपनी स्वयं की योग्यता है, मतलब क्लास में तो समझाता हूँ मैं, लेकिन ऐसे अब किसी को लगे कि भाई अपन इसको सुधार दिया जाए, अच्छा कर दिया जाए, तो वो मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया। उसके पीछे कारण यही है कि प्रत्येक जीव की अपनी योग्यता है, प्रत्येक जीव के अपने भाव हैं, अपनी गति है, समय कम है, पढ़ाने को समय कम है और पढ़ने को भी समय कम है। एक अब हमारे चुल्लक जी हुए हैं सहजानंद जी वर्णी, आपने नाम सुना होगा, जिनने वो लिखा है हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम लिखा है, वो उन्होंने इष्टोप देश पे प्रवचन किए। वो सहजानंद जी वर्णी इतने अच्छे चिंतक, अध्यात्मिक जानकार विचारक थे कि उनने जितना भी जो कुछ लिखा उनने ग्रंथों की व्याख्या के रूप में बहुत अच्छा लिखा हो, तो उनने एक स्टोप देश ग्रंथ की प्रवचन लिखे हैं, उनने किए हैं और फिर उसी को उनने डॉक्यूमेंटेड किया था। वो स्टोप देश के ग्रंथ के प्रवचन बहुत अच्छे हैं, और उसमें वो ऐसा लिखते हैं, ऐसा उसमें लिख रहे हैं कि कौन है सुखी, बोले निर्धन की धनी, बोले निर्धन निर्धनता से दुखी है, धनी धन को संभालने से दुखी है, और बोले जिसके यहाँ संतान नहीं है वो संतान नहीं होने से दुखी है, और जिसके यहाँ है वो होने से भी दुखी है। तो बोले इस तरह से बाहर के पदार्थों में तो दुखी दुख दिखाई देता है, सुख बाहर के पदार्थों में दिखाई देता ही नहीं। तो ऐसे करके उनने उस पर संसार शरीर और भोगों की उनने असारता बताई, और भी उनने उस आचार्य पूज्यपाद स्वामी के स्टोपदेश को ग्रंथ को आगे बढ़ाते हुए काफी कुछ लिखा उनने। उस समय भी वो ऐसा लिखते हैं कि मेरे पास कुछ व्यापारी आते थे कि साहब सरकार ने टैक्स बहुत बढ़ा दिया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, कमाई कम हो गई है। मैंने ऐसा सोचा कि जब आज से 50-60-70 साल पहले भी सेम समस्या थी, महंगाई की समस्या उस समय भी थी आज भी है। मतलब हम लोग जब बचपन में टीवी देखते थे तो हम लोग ये फेमस डायलॉग सुनते थे मूवीज में कि आपको पता नहीं कितनी महंगाई बढ़ गई है, हमें खुद को ही पालना मुश्किल हो रहा है, तुम्हें कैसे पालेंगे। तो अपन लोग 20-25 साल से तो अपन लोग सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब ये पूरे अनादिकाल की समस्या है ये वाली। तो समस्या एक्चुअली में महंगाई में नहीं है,
समस्या तो हमारे राग में है, हमारे मोह में है, जो प्रत्येक समय पर वस्तुओं की प्राप्ति के उपाय में ही लगा रहता है। तो ऐसा सहजानंद जी बंडी ने लिखा है, फिर हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, तो उनकी एक कालजयी रचना है जो उन्होंने जैसी लिखी है जिस रूप में, तो मात्र 8-10 पंक्तियों में उनने पूरे जिन शासन का निचोड़ उनने उसमें बता दिया है। तो ऐसे मतलब आज का जो प्रसंग है, मैं समझता हूँ कि आज का दिन, आज का प्रसंग, आज की क्लास मेरे लिए बड़ी मेमोरेबल रहने वाली है, कि मतलब आज का चैलेंज मेरा मेरे खुद से ही चैलेंज था आज, कि व्यथित मन को जिनवाणी के आधार से शांत करके मैं क्लास लूं। और वो 2-3 1-1.5 महीने में प्रीतेश जी ऐसे प्रसंग बने, मतलब 4 लोग चले गए जो समझ लो तत्व प्रचार में संलग्न थे, जिनसे हमें अनुराग था। निश्चित रूप से जो भट्टारक जी थे उनसे बहुत मिलना मेरा नहीं होता था, लेकिन उनको देख के खुशी बहुत होती थी कि वो जिनागम को जिस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, जितने लोगों को जोड़ रहे हैं, तो वो एक रिमार्केबल स्टेप था। फिर इनसे तो हुकुमचंद जी जो दादा थे और संजीव जी थे, धर्मेंद्र जी हमारे थे, इनसे तो रेगुलर मिलना था। तो 1.5 महीने में ऐसा प्रसंग बने कि 4 देह विलय देखे, फिर भी क्या करें। कर्म भूमि की व्यवस्था तो मैंने बताया था, कर्म भूमि की व्यवस्था है, भूख लगेगी, खाना खाना पड़ेगा, नींद आएगी, सोना पड़ेगा। लौकिक जो कर्तव्य हैं वो जितने जहां तक पूरे मन हो या ना हो वो पूरे करने पड़ेंगे, ये कर्म भूमि की व्यवस्था है। साथ में एक ये भी है कि कैसे भी परिस्थिति हो, हमें अपना ये काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज मेरा खुद से ही चैलेंज था कि मैं दोनों को 2 क्लास लेनी थी, मन को शांत रखना था और दुख भी हो रहा है वो तो, लेकिन अब उसे कैसे टालें, अध्यात्म के अलावा कोई और सहारा दिखता नहीं। तो इस तरह से इन लोगों की चर्चा हुई। अब हम मोक्षमा प्रकाशक की चर्चा करें, तो मोक्षमा प्रकाशक में हमारी चर्चा वस्तु स्वरूप पे चल रही है, वस्तु स्वरूप अर्थात कि कर्मों की व्यवस्था चल रही है ना। कर्म की व्यवस्था समझ में आ जाए तो सारी हमारे सारे डाउट दूर हो जाए, सारी समस्याएं, सारी चिंता दूर हो जाए। हमारे साथ आकुल व्याकुलता का कारण यही है कि हमें वस्तु की व्यवस्था नहीं मालूम। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है, प्रत्येक जीव का अपना एक स्वभाव होता है, और हम लौकिक में एक्सपर्ट तभी कहलाते हैं जब हम उस जीव को पहचान जाएं, पदार्थ को पहचान जाएं। उदाहरण के तौर पर पुराने जमाने की बात बताता हूं मैं आपको, जब 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हुआ करते थे लोगों के, और चाची की, माता की, बड़ी मम्मी की, इनकी जवाबदारी होती थी कि जो बेटियां विदा हो रही हैं उन बेटियों को प्रॉपर समझा के भेजें। तो समझा के ऐसा नहीं भेजा जाता था कि बेटा तू तो जाते ही साथ अलग हो जाना, अपना अलग जोड़ना, ऐसे समझा के भेजा जाता था, बेटा तुम इतने बड़े भरे पूरे परिवार में जा रही हो, तो यहाँ तो तुम बेटी थी, लेकिन बेटी और बहू में बहुत अंतर होता है बेटा, तुम वहां अपने कर्तव्य पूरे करना, और तुम प्रत्येक प्रत्येक घर के मेंबर का स्वभाव पहचानना, उसको वैसे ही ट्रीट करना। मान लो तुम्हारे ससुर जी को मिठाई खाना पसंद है तो उनको उनको मिठाई अच्छी अच्छी बना के खिलाना। तुम्हारे पति का अगर थोड़ा क्रोधी स्वभाव हो तो तुम शांत रहना, ऐसे करके समझा के भेजते थे। और वो माताएं बहने उन घरों में अपना पूरा जीवन सुख पूर्वक निकालती थी। जब उनसे कभी पूछा जाए कि कैसे आपने पूरा जीवन अपना इतने सुखपूर्वक निकाला, तो वो ये कहती थी कि मैं यहाँ आई तो मैंने ये स्वीकार कर लिया कि माता पिता का स्नेह और यहाँ की कर्तव्य दोनों अलग चीज हैं, और फिर मैंने यहाँ के कर्तव्य में जिसका जैसा स्वभाव था उसको उस हिसाब से मैंने पहचाना और वैसा स्वीकार किया, वैसा ट्रीट किया। तो इतने लंबे समय तक
जीवन चलता रहा। इसी तरह से कर्मों की बात जो हमारी चल रही है, तो कर्मों की बात में निमित्त नैमित्तिक संबंध पे हमारी चर्चा चली थी कि साहब वो जो दो पक्षी हैं वो अलग क्यों हो जाते हैं। तो बोले वो निमित्त नैमित्तिक सहज संबंध, चकवा चकवी का जो उदाहरण आया था वो, बोले साहब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बोले वो सहज है, वो उसमें कोई तर्क नहीं है कि क्यों हो जाता है ऐसा। ऐसे ही बोले आयु कर्म के परमाणु खत्म होने पर ये आत्मा शरीर से क्यों निकल जाता है, स्वभाव है वो कि भाई आयु कर्म के परमाणु इस भाव के खत्म हुए और आत्मा शरीर से निकल गया। साता वेदनी के खत्म हुए और दुख आ गया, असाता वेदनी के खत्म हुए और सुख आ गया। तो ये जो कर्मों के स्वभाव की हमारी चर्चा चल रही है, ये कर्मों के स्वभाव की चर्चा कोई याद करने वाली चर्चा नहीं है, ये तो वस्तु की व्यवस्था को समझने वाली चर्चा है मूल। तो लौकिक में हमें इसके हम प्रत्येक प्रोडक्ट का नेचर समझते हैं, हम घर में जो सामान लाते हैं ना अपन, तो प्रोडक्ट है वो, और हम एक प्रत्येक प्रोडक्ट का नेचर समझते हैं, हम उनका कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन सब चीजें देख के लाते हैं, फिर हम संतुष्ट रहते हैं कि भाई मैंने तो पे कम किया तो इसलिए मुझे कम फीचर वाला फोन मिला, जिसने पे ज्यादा किया उसे ज्यादा फीचर वाला फोन मिलेगा। इसी तरह से हम आयु की बात करें, साता की बात करें, असाता की बात करें, किसी प्रकार की बात करें, वो सब इसमें वस्तु व्यवस्था में शामिल हो जाएगा। नवीन कर्म मंद विचार की हमने बात की थी कि नए कर्म कैसे बनते हैं, तो यहाँ प्रकाश वो मेघ पटल का उदाहरण दिया था। कोई बता पाएगा मुझे क्या क्या उदाहरण आया था यहाँ मेघ पटल का, किसी को याद हो तो? मेघ पटल का हमने बादलों का और सूर्य का क्या उदाहरण लिया था हमने? हाँ, जैसे बादल हो वो सूर्य को ढक तो देते हैं परंतु सूर्य सूर्य का प्रकाश नष्ट नहीं कर सकते, और तो इसी तरह कर्म आत्मा का स्वभाव नष्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उनके निमित्त से अपना स्वभाव ढक जाता है, अभिव्यक्ति नहीं होती है, प्रकट नहीं होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता है, होता तो है परंतु प्रकट नहीं होता है वो थोड़े समय के लिए। इसी प्रकार कर्मों को जैसे हमारे आत्मा के जो गुण है उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है परंतु वो नष्ट नहीं हो जाता है, तो ये इस प्रकार का एग्जाम्पल था। हाँ, एकदम बढ़िया, यही था हमारा कि जिस तरह से मेघ पटल के आड़े आ जाने पर सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, परंतु जितना भी प्रकाश है वो सारा का सारा सूर्य से ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, भले वो कम है। तो इसी तरह से जो जीव का ज्ञान स्वभाव है वो तो जीव ज्ञान स्वभाव ही है, लेकिन कम इसलिए प्रकट है क्योंकि मेघ पटल उसके आगे आ गए हैं, अर्थात कर्मों के रूपी मेघ पटल आगे आ गए हैं, परंतु जो भी ज्ञान है वो आ रहा है आत्मा से, और कहीं से वो ज्ञान नहीं आता, वो आ रहा है आत्मा से, तो ज्ञान आत्मा का ही कहा जाएगा। बोले केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान हो जाए तो फिर तो वज्र आगे आ जाए तो भी ज्ञान को नहीं ढांक सकते, लेकिन ये तो ज्ञान को सूर्य की तरह आप उदाहरण समझना, तो बोले यहाँ आपको मैटर क्लियर हो जाएगा। फिर हमारी चर्चा इस पे चल रही थी कि साहब इनसे तो नवीन कर्म बंद नहीं होता, मतलब आत्मा के स्वभाव से तो कर्म बंद नहीं होता, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय ये इनसे नहीं होता नवीन कर्म बंद, तो होता किससे है बोले? तो यहाँ एक शब्द आया था मिथ्यात्व भाव जो रहता है, मिथ्यात्व के कारण से जो क्रोध मान माया लोभ होते हैं उसके कारण से इस जीव को कर्म का बंध होता है। इस पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, मतलब यहाँ हिंदी वाले वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है हिंदी में, मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है, मतलब मोह बंध का कारण है। तो मोह बंध का कारण है, मोहिनियों को कर्मों का राजा भी कहा जाता है, मिथ्यात्व मोहिनी अविरति प्रमाद ये सब बंध के कारण है। स्पेशली यहाँ पंडित जी ने मिथ्यात्व भाव और समझ लो मोह की चर्चा की है। मोह के में बहुत सिंपल सी एनालिसिस है कि जब बचपन में हम लोग जन्म लेते हैं
जब बालक होते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमारे पास कोई मोह का डेटा नहीं होता है। उस समय थोड़ा सा समझ लो अपने शरीर से राग होता है, वो भी कोई ऐसा नहीं रहता कि हमें याद रहे बड़े तक। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि भी जिनने जन्म दिया है मेरे माता पिता हैं, ये मेरे दादा दादी हैं, ये मेरे चाचा चाची हैं, ये मेरे मामा हैं। इस तरह से वहाँ हमें बचपन से अभी तक धीरे धीरे करते करते बड़े हुए हम, फिर शादी हुई तो हमें मोह हुआ, फिर बच्चे हुए उनसे मोह हुआ, फिर हम जो घर खरीदा उससे मोह हुआ, उसमें जो चीजें हैं उनसे मोह हुआ। तो ये मिथ्यात्व भाव हो गया ना, मिथ्या भाव, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला, जो हमारा है ही नहीं जो चीज उसके अपनेपन में हमारा जीवन चला गया। तो बंध जो होता है ना, पंडित जी यहाँ बता रहे, इसी भाव से होता है उसको, जो बंध हो रहा है इसी मिथ्यात्व भाव से इसको बंध हो रहा है, और कोई चीज से नहीं हो रहा है। मोह का जो उदय है, मोह का जो उदय है उसके उदय से जो उत्पन्न जो भाव है, तो हमें है ना एकत्व पने के भाव तो मोह के उदय से उत्पन्न हुए है ना। पर पदार्थों के प्रति हमारा जो एकपना है, एकत्व है, वो तो हम खुद भी जानते हैं। देखिए हम जैसे प्रतिदिन कोई ना कोई किसी ना किसी के देह विलय को देखते हैं, ठीक है, मैं भी देखता हूँ, आप भी। हमें पता है दुख किस में होता है, जिससे हमें अनुराग होता है। वो अनुराग रिश्तेदारी वाला भी हो सकता है और साधर्मी वात्सल्य वाला भी हो सकता है, मित्र का भी हो सकता है। मोह के कारण ही तो हो रहा है ना भाई, ऐसे तो अनादि, ऐसे तो रोज सैकड़ों लोग जा रहे हैं, लेकिन जिनसे हमें अनुराग होता है उनको जाने पर हमें दुख होता है। ऐसे तो सैकड़ों मकान है दुनिया में, लेकिन हमें उसमें दुख नहीं होता। अगर उन मकानों को कुछ हो जाए तो, हमारे को कुछ हो जाए तो हमें दुख होता है। शरीर की बात करें, शरीर से भी हमें मोह रहता है, तो उस मोह के कारण से उसमें थोड़ी सी तकलीफ हो तो दुख होता है, अच्छी हो जाए तो सुख होता है। तो यहाँ पंडित जी ने हमारी लास्ट टाइम यही चर्चा छूटी थी कि कर्म बंध का कारण क्या है, आप तो ये बताओगे। तो बोले मोह के उदय से उत्पन्न जो भाव हैं वो बंध के कारण है। मिथ्यात्व का नाम पंडित जी ने यहाँ इसलिए लिया कि बोलते हैं साहब ये उल्टी मान्यता है आपकी, जो मोह की जो बात है ना, उल्टी मान्यता है। क्यों है उल्टी मान्यता? इसलिए क्योंकि ये देहादिक से तो आपके, सॉरी, आत्मा से तो भिन्न पदार्थ दिखते हैं ना ये देह। चलो एक बार मान लेते हैं देह और आत्मा अभी भिन्न नहीं दिखती, लेकिन शरीर से भिन्न जो मकान और अन्य बिलोंगिंग्स हैं, स्त्री पुत्र धन आदि, वो तो सारे सारे पदार्थ में भिन्न दिखाई प्रत्यक्ष में ही देते हैं, लेकिन ये जीव उनको भ्रम से अपना मानता है, ये जीव उनको भ्रम से अपना मानता है। तो इसके कारण से इसको, उस एकत्व ममत्व के कारण से इसको बंद होता है। यद्यपि शरीर के साथ एक चित्रावगाही है, तथापि एक नहीं है, ये अलग अलग ही है। परद्रव्य के कारण बंध नहीं होता है ना, ये याद रखिए आप लोग, परद्रव्य के कारण से बंध नहीं होता। तो बंध कैसे होता है? जब ये जीव एकत्व ममत्व के परिणाम रखता है, बंध इसको तब होता है। इसका बंधन का कारण परद्रव्य नहीं है, क्योंकि परद्रव्य से अगर बंध होता हो तो फिर तो हम सारे द्रव्यों का कर्म बंधन हमसे ही हो जाए। परंतु जिस पदार्थ से एकत्व ममत्व का भाव रखता है, उस पदार्थ के कारण से इसको बंधन होता है। तो इस तरह से पंडित जी ने यहाँ एक बात बहुत क्लियर कर दी हमें कि बंधन होने का कारण मिथ्यात्व है, बंधन होने का कारण मोह के उदय से उत्पन्न हुए भाव है, और कोई दूसरा कारण बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण मिथ्यात्व और बंध का कारण मोह के उदय से हुए उत्पन्न भाव। इसकी अगर हम और थोड़ी सी डिटेल चर्चा करें तो हम ऐसा लगा सकते हैं कि हमारे परेशानी का कारण क्या है। हम दिनरात ऐसे देखें तो सब परेशान रहते ना, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ भी है, जीव तो संसार में सुखी रहते ही नहीं है, आकुल व्याकुल होते ही रहता है। तो ये क्यों होता रहता है आकुल व्याकुल?
क्योंकि मोह है ना। जैसे अपनी बात चलती है ना, लोग डिप्रेशन की बीमारी में रहने लगे। क्या है डिप्रेशन? जब ये अपने मन से कल्पनाएं सोच लेता है कि ऐसा हो गया तो अच्छा, ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये तो ऐसा होना चाहिए था, तो वो मोह के कारण से, जैसे हम डिप्रेशन कहते हैं, अवसाद कहते हैं, उसमें चला जाता है। पंडित जी तो चौथे अधिकार में लिखेंगे कि वो आत्महत्या कर लेता है। क्रोध का भाव जब इसे उत्पन्न हो तो ये आत्महत्या कर लेता है, मान का भाव उत्पन्न हो तो ये आत्महत्या कर लेता है। तो ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं? ये मतलब हमारा दुख का कारण क्या है? पर पदार्थ नहीं। हमारे तो दुख का कारण जो है वो स्वयं का मोह है। मोह के कारण से हमें बंधन होता है, मोह के कारण से ही हमें आकुल व्याकुलता है। एक बार अगर हमें वस्तु का सही स्वरूप मालूम चल जाए तो मोह जाएगा तो नहीं अभी, है ना, मोह लेकिन धीमा पड़ सकता है ना। तो जब वो धीमा पड़ेगा तो जिस कैटेगरी के कर्म बंधन हमसे हो रहा था, उस कैटेगरी के कर्मों का बंधन हमसे नहीं होगा। तो ये बहुत क्लियर और सिंपल है कि हमारी आकुल व्याकुलता का कारण क्या है। तो हमारी आकुल व्याकुलता का कारण मोह है, हमारी आकुल व्याकुलता का कारण मिथ्यात्व है, हमारी आकुल व्याकुलता का कारण पर पदार्थों को व्यर्थ में अपने पने की मान्यता है। जब हम पर पदार्थों को अपना मानते हैं व्यर्थ में, है ना, व्यर्थ में अपना मानते हैं, व्यर्थ में क्यों मानते हैं, वो है ही नहीं ना हमारे, तो बोले नहीं नहीं ये तो केवल एक कहने की बात है, वो हमारे हैं, लीगल रूप से हमारे हैं। हाँ तो है ना, ठीक है, तो फिर वो सदाकाल फिर आपके साथ रहना चाहिए, सदाकाल आपके हिसाब से प्रणमन करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो अपनी योग्यता से रहते हैं और अपनी योग्यता से चले जाते। तो इस तरह से एक ये नवीन कर्म बंध विचार के हमारे दो पैराग्राफ बचे थे, पढ़ तो चूंकि हमने लिए थे, डिस्कस करना बाकी रह गया। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए आप लोग। तो मैं पूछता हूँ, सब बैठे तो है ना, चले तो नहीं गए? नहीं पता चला क्लास ऐसी हो गई बोरिंग, मैं ही बोल रहा हूँ तो आईडी चालू है। और सौरभ जी सुन रहे हैं हम लोग? अच्छा सुन रहे हैं ना सब लोग, ठीक है। इसके बाद फिर चर्चा करेंगे योग द कॉज ऑफ द प्रकृति, योग द कॉज ऑफ प्रकृति बंध एंड प्रदेश बंध। तो ये इन बंधों पे चर्चा करने वाले हैं, प्रकृति प्रदेश बंध पे चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा हम अब अगली बार करेंगे, अभी हम क्लास यहीं अपने आज समाप्त करते हैं। और इन वैराग्य प्रसंगों पे आप लोग भी बढ़िया धर्म ध्यान कीजिए। और ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग एक साधनी वात्सल्य है हम सब लोगों में, और हम एटलीस्ट हफ्ते में एक बार एक साथ आके तत्व चर्चा करते हैं। लौकिक चर्चाएं तो सब लोग करते हैं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मीडियम एंड पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनके साथ ही डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन जनागम की और वीतरागता की चर्चा जो है बहुत लिमिटेड लोगों के साथ की जा सकती है, और इसके लिए बहुत उदय की भी आवश्यकता होती है। तो आप सब लोग ही बढ़िया स्वाध्याय कीजिए, हम लोग जब तक भी हमारी सबकी आयु है हम सब लोग आपस में इसी तरह से एक साधनी वात्सल्य बना के रखें, स्वयं पढ़ें, और जिस रूप में भी हम जिनेन्द्रदेव की वाणी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ हम आज की बात समाप्त। और किसी लोगों को कोई कुछ कहना हो, कुछ शब्द बोलने हो तो डेफिनेटली फील फ्री। सौरभ जी ने बहुत अच्छा संस्मरण सुनाया है सबके साथ, सब फोन के बारे में ज्यादा पता चला, सौरभ जी पर्सनली जानते थे सबको तो अच्छा पता चला। सौरभ जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ऑडियो बुक भी आपने उन्हीं के साथ करी थी ना? नहीं मैंने उनको एक अपन कहते हैं ना कि जो हमसे समझदार लोग हो ना तो उनसे एक बार हमें इंटीमेट करना चाहिए उनको, तो मैंने उनने क्या पीएचडी की थी मोक्षा प्रकाशक के, मतलब टोडोमल जी पे, टोडोमल जी व्यक्तित्व एवं कर्तित्व उस पे उन्होंने पीएचडी की थी। तो मैंने अपना विचार बताया था कि दादा मैं सोच रहा हूँ, उस समय क्या है
एक बुक लॉन्च हुई थी हरमन हसे, सिद्धार्थ करके लॉन्च हुई थी। अच्छा। तो मैंने प्रेरित जी उस समय यूएस में बोली थी, फिर लंदन में मिल गई थी वो बुक मेरे को। तो वो बुक सुन के मुझे आइडिया आया कि इससे मोक्ष में प्रकाशक का ऐसा वर्जन बनाया जा सकता है। तो फिर मैं जब जयपुर गया तो मैंने चर्चा की दादा से, तो उस समय तो इंडिया में ही कंसेप्ट नहीं आया था 2012 में तो, कि ऑडियो बुक क्या होती है। उन्होंने कहा देख देख बेटा मुझे समझ में कुछ नहीं आया, तू क्या बोल रहा है भाई, हम शास्त्र सुनाएंगे आपको लेकिन तू जो कर रहा है कर ले, अच्छा काम, बढ़िया काम। तो फिर मैंने किया, फिर मैंने बाद में उनको सुनाया तो उन्होंने सुन के बहुत उसको सराहनीय उन्हें माना, प्रशंसा की उस चीज की। और फिर मैंने उनसे ऐसी परमिशन मांगी थी एक बार कि दादा आपकी जो आपने जो लिखा है कृतियां हैं, मैं इनको यूज कर सकता हूँ ना, मैं अपने इनको डिजिटल कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वो ऐसे अपनेपन में गुस्सा होके बोले, अरे सर तुम्हें पूछने की कैसे आवश्यकता पड़ गई थी। मैंने कहा नहीं नहीं, फिर भी एक परमिशन आपसे लेना मैंने आवश्यक समझा। बोले मेरी कृतियां नहीं है, जिनवाणी की है, तो मैं जिस रूप में जहां प्रयोग करना हो कर सकते हो और लाइफ टाइम। तो ऐसे करके मोक्ष में प्रकाशक मैंने उनको इंटीमेट किया था। ओके। तो इस तरह से अब हम लोगों की, हम सबकी जवाबदारी बहुत बढ़ती जा रही है। हम लोग बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे विद्वान लोगों, बड़े बुजुर्ग लोग जाते जा रहे हैं, तो हम सबकी जवाबदारी बहुत बढ़ गई है कि अब हमारे कंधों पे स्वयं के पढ़ने की और जिनागम को आगे ले जाने की, आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने की जवाबदारी है। तो उसको भी हमें निभाना है साथ। आप लोगों की कभी आवश्यकता लगेगी तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, बाकी मैं और गौरव जी थोड़ा बहुत काम कर ही रहे हैं, पर आप लोग भी अपने अपने लेवल पे अच्छा काम करें। चलिए, किसी को कुछ अगर और अभी व्यक्त करना हो तो करते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी लेते हैं। कुंजन जी, पढ़ते होते तो हम तो कहीं मेरा मतलब ऐसे ही डूब के सोचते ही रहते, हम बहुत ही मोही हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। तो बराबर है, चल लेते हैं जनमानी इसके लिए। ठीक। निज निधि निज में बताई यह उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जय सभी को। थैंक यू सौरभ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।